आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार मसाला पुलाव बनाने की रेसिपी। ये पुलाव बहुत ही मसालेदार, बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। एक ही कुकर में सब कुछ बन जाता है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी चावल लिया है। आपके पास जो भी चावल है आप वो चावल यूज़ करें। चावल को अच्छे से धो लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट तक सोक करने के लिए रखेंगे। और आप जिस कटोरी से चावल मेजर कर रहे हैं उसी कटोरी से पानी भी मेजर करेंगे। तो मसाला पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में तेल गरम कर लेंगे। आप चाहो तो घी और बटर का भी इसमें यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसके अंदर एक तेज पत्ता डालेंगे, फ्लेम को लो कर लेंगे नहीं तो खड़े मसाले जल जाएंगे। 3 इलायची डालेंगे छोटी वाली, इसके अंदर 3 लौंग डालेंगे, 1 इंच दालचीनी डालेंगे इसके अंदर और 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद इन मसालों को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे तेल के अंदर। अब इसके अंदर एक बड़ा साइज का प्याज डालेंगे जिसे मैंने लंबाई में काट लिया है। प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज को ब्राउन करने से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। आप चाहो तो इसे ट्रांसल्यूसेंट तक भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी 2 मिर्ची डालेंगे जिसे मैंने बीच में से कट कर लिया था। तो प्याज यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। अभी इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कच्चा टेस्ट और स्मेल चला नहीं जाता। प्याज यहाँ पर बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है, तो अब इसके अंदर आलू डालेंगे, गाजर डालेंगे और इसके अंदर फ्रेंच बीन्स डालेंगे। तो गाजर को मैंने ऐसे छोटे छोटे इसमें कट कर लिया है और फ्रेंच बीन्स को मैंने लंबाई में कट कर लिया है। आपके घर में जो भी सब्जियां अवेलेबल हो आप उससे भी ये मसाला पुलाव बना सकते हो। सारी सब्जियों को अब 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। टमाटर को हमें गलने तक पका लेना है। और टमाटर बहुत जल्दी से पक जाए इसलिए इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक भी डाल लेंगे। अभी मिला लेंगे इसे और वापस टमाटर को गलने तक पका लेंगे। अब इसके अंदर 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च का भी पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मल वाली लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया है, कोई रंग वाली मिर्च का यूज़ नहीं किया है। और 1 चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर भी डालेंगे। और 1 चम्मच इसके अंदर गरम मसाला का पाउडर डालेंगे। ये सारे मसाले डालने के बाद इसे वापस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर टमाटर गल चुके हैं। अभी इसके अंदर हमने जो सोक किए हुए चावल थे वो डालेंगे इसके अंदर। चावल को सब्जियों के अंदर एकदम हल्के हाथों से मिला लेंगे क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट है तो वो टूट सकते हैं, इसलिए इसको हल्के हाथों से सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चावल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अभी उसी कटोरी से पानी लेंगे जिस कटोरी से हमने चावल को मेजर किया था। तो 1 कटोरी चावल के लिए 1.5 कटोरी पानी। पानी को और चावल को थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़े से धनिया के पत्ते डालेंगे, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे चावल के अंदर।
अभी कुकर का ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर इसे 3 सीटी तक पका लेंगे। तो यहाँ पर 3 सीटियाँ लग चुकी है और कुकर अपने आप पूरा ठंडा होने के बाद ही आप कुकर को खोलें और यहाँ पर मसाला पुलाव बनकर तैयार है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है ये पुलाव, आप इस पुलाव को ज़रूर ट्राई करें। तो ये मसाला पुलाव आप गर्मा गर्म सर्व करें रायता, अचार, पापड़ या आपको जो भी पसंद है उसके साथ। मसालेदार मसाला पुलाव बनकर तैयार है, आप इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है, एक ही कुकर में सब कुछ बन जाता है तो ज़्यादा झंझट नहीं है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको पता चले।